Let's start our class, class UKG, subject Hindi. Previous lecture में हमने आपको पेज नंबर 35 तक पढ़ा दिया था. आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 14. चैप्टर 14 है अनुस्वार. आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार. ये आपका अनुस्वार है, ये जो बिंदी रहता है इसको हम लोग अनुस्वार बोलते हैं. झ प्लस अंग, अंग की मात्रा प्लस ड प्लस आ की मात्रा इक्वल टू झंडा. प प्लस अंग की मात्रा, इसको हम लोग अनुस्वार भी बोलते हैं, प्लस ख इक्वल टू पंख. प प्लस त प्लस अंग की मात्रा प्लस ग इक्वल टू पतंग. स प्लस अंग की मात्रा प्लस ख इक्वल टू संख. ब प्लस अंग की मात्रा प्लस द प्लस र इक्वल टू बंदर. ई प्लस अंग की मात्रा प्लस ज प्लस न इक्वल टू इंजन. अ अंग की मात्रा ग अंग. ग अंग की मात्रा ध गंध. त पे अंग की मात्रा ग तंग. द पे अंग की मात्रा ग दंग. ब पे अंग की मात्रा द बंद. र पे अंग की मात्रा रंग ग रंग. अ पे अंग की मात्रा स अंश. क पे अंग की मात्रा कन स कंस. व पे अंग की मात्रा वं स वंश. ड पे अंग की मात्रा डंक डंक. र पे अंग की मात्रा रंक रंक. ह पे अंग की मात्रा हंस हंस. अ पे अंग की मात्रा अन. ड पे अंग की मात्रा डा अंडा. भ पे अंग की मात्रा भंग भन. ड पे अंग की मात्रा डा भंडा. ठ पे अंग की मात्रा ठंड. ड पे अंग की मात्रा डा ठंडा. ड पे अंग की मात्रा डन. ड पे अंग की मात्रा डा डंडा. प पे अंग की मात्रा पन. ड पे अंग की मात्रा डा पंडा. ब पे अंग की मात्रा बन. ड पे अंग की मात्रा डा बंडा. ग पे अंग की मात्रा गंग. ग पे अंग की मात्रा गा गंगा. च पे अंग की मात्रा चंग. ग पे अंग की मात्रा गा चंगा. द पे अंग की मात्रा दंग. ग पे अंग की मात्रा गा दंगा. न पे अंग की मात्रा नंग. ग पे अंग की मात्रा गा नंगा. फ पे अंग की मात्रा फन. द पे अंग की मात्रा दा फंदा. म पे अंग की मात्रा मन. द पे अंग की मात्रा दा मंदा. अ पे अंग की मात्रा अन. ध पे अंग की मात्रा धा अंधा. क पे अंग की मात्रा कन. ध पे अंग की मात्रा धा कंधा. क पे अंग की मात्रा कन. घ पे अंग की मात्रा घा कंघा. ख पे अंग की मात्रा खं. भ पे अंग की मात्रा भा खंभा. ज पे अंग की मात्रा जंग. घ पे अंग की मात्रा घा जंघा. ध पे अंग की मात्रा धन. ध पे अंग की मात्रा धा धंधा. ग पे अंग की मात्रा गंग. द पे अंग की मात्रा दा गंदा. च पे अंग की मात्रा चंद. द पे अंग की मात्रा दा चंदा. न पे अंग की मात्रा नन. द पे अंग की मात्रा दा नंदा. प पे अंग की मात्रा पंख. ख पे अंग की मात्रा खा पंखा. ब पे अंग की मात्रा बंद. द पे अंग की मात्रा दा बंदा. र पे अंग की मात्रा रंग. ग पे अंग की मात्रा गा रंगा. प पे अंग की मात्रा पंच. र पे अंग की मात्रा रंग. ग पे अंग की मात्रा गा पंच रंगा. प पे अंग की मात्रा पन. च पे अंग की मात्रा चा य त पंचायत. प ग ड पे अंग की मात्रा डन. ड पे पड़ी की मात्रा डी पगडंडी. स म पे अंग की मात्रा मन. द र समंदर. स त र पे अंग की मात्रा रंज. शतरंज. क ल पे अंग की मात्रा लन. द र कलंदर. च पे छोटा की मात्रा चू. क पे अंग की मात्रा कन. द र चुकंदर. छ पे छोटा की मात्रा छू. छ पे अंग की मात्रा छुन. द र छछुंदर.
मे अंक मात्र मंग ग ल व पे अंक मात्र वा र मंगलवार स सपे छोटी मात्र सी व ग पे अंक मात्र गंग ग पे अंक मात्र गा शिव गंगा। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 37 पे। बोल कर पढ़िए और समझिए। व स सपे अंक मात्र सन त बसंत प पे अंक मात्र पंच म पे बड़ी की मात्र मी पंचमी क पे अंक मात्र का द दक्षिण में तो दी न दिन थ पे अंक मात्र था बसंत पंचमी का दिन था। स सपे अंक मात्र स क ड पे उ मात्र रो अंक की मात्र सैकड़ो प त पे अंक मात्र तंग ग पे अंक मात्र गे पतंगे अ अपे अंक मात्र आ क पे अंक मात्र का स आकाश म पे अंक मात्र मे उ र उड़ र हप बड़ी मात्र ही रही थ पे बड़ी मात्र थी सैकड़ो पतंगे आकाश में उड़ रही थी। च चपे अंक मात्र चंच ल चंचल अपे अक मात्र अ र और च चपे अंक मात्र चंदर चंदर न नपे एक मात्र ने ने भ बड़ी मात्र भी अ प न नपे बड़ी मात्र नी अपनी अ प न नपे बड़ी मात्र नी अपनी प त तपे अंक मात्र तंग पतंग उड़ पे अंक मात्र ड़ा ई उड़ाई चंचल और चंदर ने भी अपनी अपनी पतंग उड़ाई। च चपे अंक मात्र चंच ल चंचल क कपे बड़ी मात्र की प त तपे अंक मात्र तंग पतंग क कपे अंक मात्र का र रपे अंक मात्र रंग रंग स सपे अंक मात्र संत र बड़ी मात्र री संतरी थ सपे अंक मात्र था संतरी था चंचल की पतंग का रंग संतरी था। च चपे अंक मात्र चंद र चंदर क कपे बड़ी मात्र की प त तपे अंक मात्र तंग पतंग क कपे अंक मात्र का र रपे अंक मात्र रंग रंग ब स सपे अंक मात्र संत तपे बड़ी मात्र ती बसंती थ तपे अंक मात्र था चंदर की पतंग का रंग बसंती था। प त तपे अंक मात्र तंग पतंग उड़ पे अंक मात्र अड़ा त तपे अंक मात्र ते उड़ाते स म य समय छ त छत पर द तपे अंक मात्र दो ल पे अंक मात्र लंग ग पे बड़ा अंक मात्र गुर लंगूर अ पे अंक मात्र आ ग ए आ गए पतंग उड़ाते समय छत पर दो लंगूर आ गए। उ न म पे अंक मात्र में उनमें स सपे अंक मात्र से एक ल पे अंक मात्र लंग ग पे बड़ा अंक मात्र गुर लंगूर च चपे अंक मात्र चंदर चंदर क पे अंक मात्र को ड र पे अंक मात्र रा न पे अंक मात्र ने डराने ल ग पे अंक मात्र गा लगा उनमें से एक लंगूर चंदर को डराने लगा। च चपे अंक मात्र चंचल चंचल ड डपे अंक मात्र डंड डपे अंक मात्र ड डंडा ल डपे अंक मात्र लेकर भ पे अंक मात्र भाग ग पे अंक मात्र गा भागा अ पे अंक मात्र आय य पे अंक मात्र या आया चंचल डंडा लेकर भागा आया। ड डपे अंक मात्र डंड डपे अंक मात्र डा डंडा द डपे अंक मात्र देख ख त तपे अंक मात्र ते देखते ह पे बड़ी मात्र ही ल पे अंक मात्र लंग ग पे बड़ी मात्र गुर लंगूर उ न क पे बड़ी मात्र की उनकी छत छत स सपे अंक मात्र से भ पे अंक मात्र भाग भाग ग ए गए चंचल डंडा लेकर भागा डंडा देखते ही लंगूर उनकी छत से भाग गए। आइए इसको एक बार और पढ़ते हैं। बसंत पंचमी का दिन था सैकड़ों पतंगे आकाश में उड़ रही थी चंचल और चंदन ने भी अपनी अपनी पतंग उड़ाई चंचल की पतंग का रंग संतरी था चंदन की पतंग का रंग बसंती था पतंग उड़ाते समय छत पर दो लंगूर आए उनमें से एक लंगूर चंदन को डराने लगा चंचल डंडा लेकर भागा आया डंडा देखते ही लंगूर उनकी छत से भाग गए। अब हम लोग आते हैं पेज नंबर 38 पे। यहाँ पे दिया है चित्र पहचान का नाम लिखिए। तो यहाँ पे देखिए पहला चित्र है तो ये अंडा का था यहाँ पे लिखेंगे अ पे अंक मात्र अंड डॉट पे मात्र डा अंडा
ये दूसरा है घंटा, तो यहाँ पे लिखेंगे घ ग पे अंक मात्रा घंटा, ट पे अंक मात्रा टा घंटा, प पे अंक मात्रा पंख, ख पे अंक मात्रा खा पंखा, ह पे अंक मात्रा हंस हंस। ये आपका कंगन, यहाँ पे लिखेंगे क क पे अंक मात्रा कंग न कंगन, क क पे अंक मात्रा कंग, ग पे अंक मात्रा घा कंगा, ये अंगूर है, अ पे अंक मात्रा अंग, ग पे बड़ मात्रा गूर अंगूर, ल ल पे अंक मात्रा लंग, ग पे बड़ मात्रा गूर लंगूर। अब यहाँ पे दूसरा दिया है सही अक्षर पर अंग अनुस्वार का प्रयोग करके ठीक शब्द बनाइए, तो यहाँ पर दिया है र, र पे अंक मात्रा रंग रंग, ब द ब द दिया है तो यहाँ पर हो जाएगा ब, ब पे अंक मात्रा बंद बंद, ड ड पे अंक मात्रा डंक डंक, भ भ पे छोटी मात्रा भी अंक की मात्रा, ड ड पे बड़ी मात्रा डी भिंडी, ज ज पे अंक मात्रा जंग ल जंगल, स स पे छोटा अंक मात्रा सु गंध सुगंध, ब ब पे अंक मात्रा बन द द पे बड़ा मात्रा दू क बंदूक, स सपे अंक मात्रा सन, त तपे अंक मात्रा ता न संतान, स सपे अंक मात्रा सन, द दपे अंक मात्रा दे स संदेश। तीसरा दिए इन शब्दों से मिलकर जुटते शब्द लिखिए अंग, तो यहाँ पे हो जाएगा र, र पे अंक मात्रा रंग रंग। दूसरा दिया है कंस, तो यहाँ पे हो जाएगा ह, ह पे अंक मात्रा हंस हंस। पतंग है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बसंत, ब स सपे अंक मात्रा संत बसंत, च चपे अंक मात्रा चंद, द पे अंक मात्रा दा चंदा है तो यहाँ पे हो जाएगा म, म पे अंक मात्रा मन, द पे अंक मात्रा दा मंदा, स सपे अंक मात्रा सा न स सास, तो यहाँ पे हो जाएगा सा सपे अंक मात्रा सा अंक मात्रा स सांस, तो यहाँ पे हो जाएगा म, म पे अंक मात्रा मा अंक मात्रा स मांस, मंगल म अंक मात्रा ग ल मंगल, तो यहाँ पे हो जाएगा ज, ज पे अंक मात्रा जंग ग ल जंगल, ठ ठ पे अंक मात्रा ठंड, ड पे अंक मात्रा डा ठंडा, तो यहाँ पे हो जाएगा ड, ड पे अंक मात्रा डंड, ड पे अंक मात्रा डा डंडा, क क पे अंक मात्रा कंध, ध पे अंक मात्रा धा कंधा, तो यहाँ पे हो जाएगा क क पे अंक मात्रा कंध, ध पे अंक मात्रा धा कंधा, अ पे अंक मात्रा अन, ज ज पे बड़ी मात्रा जीर अंजीर, तो यहाँ पे हो जाएगा ज, ज पे अंक मात्रा जन, ज ज पे बड़ी मात्रा जीर जंजीर। यहाँ पर देखिए फोर्थ दिया है सुलेख लिखिए, चंदन सिर में कंघी कर जयंत रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है, तो इसी को देख के यहाँ पे लिखेंगे आप लोग च, च पे अंक मात्रा चंद न चंदन, स सब छोट मात्रा सिर सिर, म पे एक मात्रा मे मे, क कपे अंक मात्रा कंघ, घ पे बड़ी मात्रा घी कंघी, क र कर, ज ज य य पे अंक मात्रा यंत जयंत, र र पे अंक मात्रा रंग रंग, ब छोटे मात्रा बी, र र पे अंक मात्रा रंग, ग पे बड़ी मात्रा घी बिरंगी, प त त पे अंक मात्रा तंग पतंग, उ ड पे अंक मात्रा ड़ा उड़ा, र ह ह पे अंक मात्रा हा, ह ह पे अंक मात्रा है, जयंत रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। तो ऐसे ही आज आप पेज नंबर 38 को कंप्लीट करेंगे, ये आज का आपका होमवर्क है, आज का आपका क्लास यहीं पे ओवर होता है, थैंक यू।